एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत। दर्शकों नमस्कार, खबर बांगर मुन्नाव से, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, गाड़ी तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल। बीते दिन शाम लगभग 6 बजे के करीब बांगरमो क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मऊ में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही प्रथम बच्च फहीम पुत्र नईम प्रधानपति व 7-8 व्यक्ति एवं द्वितीय पक्ष में से जावेद पुत्र रज्जाक प्रधान प्रत्याशी व 11-12 व्यक्ति के बीच फहीम के उपरोक्त के घर के बाहर मारपीट हो गई, जिसमें द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के घर में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मारपीट में प्रथम पक्ष के महीम जुनैद निजामुद्दीन नियाजुद्दीन घायल हो गए। सूचना पर कोतवाली प्रभारी राजकुमार भारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। तीनों घायलों को CHC बांगर में भेजा गया, जहां से नियाजुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन फहीम मुहीब 30 वर्ष पुत्र रईस, जुनैद 28 वर्ष पुत्र मबीन निवासी ग्राम रमजानीपुरवा थाना माधवगंज जिला हरदोई को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अब तक की जांच में फायरिंग होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। बांगरमो उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पर नवीन नवीक समाचार दैनिक। क्या मामला हुआ जो घायल आए हैं? तीन मरीज आए थे, गांव का नाम मऊ है और नियाजुद्दीन सनाफ अलाउद्दीन, इनके सर पे चोट है और लोगों के अनुसार उनको गोली मारी गई है और उनका प्राथमिक उपचार करके डॉक्टरी करके रिफर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट उन्नाव के लिए। और दो मरीज और आए हैं, एक मुहीब है, दूसरा जुनैद है। मुहीब के पिता का नाम रहीम है, जुनैद के नाम पिता मोबीन। ये भी दोनों घायल अवस्था में थे, इनका अभी डॉक्टरी करके प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या लग रहा है? पहले वाले के जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी बता पाएंगे, कुछ ऐसे नहीं कह सकते। नईमुद्दीन कहाँ रहते हैं? मऊ। मऊ में आज क्या घटना हुई है? बताया वो लोग, भतीजा हमारा जो था वो हाथिया थी, हमारे बड़े भाई ख़त्म हो गए थे। अच्छा, वहीं गया था वो, वहाँ से निकला और बस लोग जावेद और सोहेल और इमरान और पप्पू वगैरह, ये काफ़ी लोग आए करके फायरिंग करने लगे हमारे भतीजे के सर में गोली लगी। तो आप लोग यहाँ लेके आए? हम थाने लेके गए, थाने से अस्पताल लाए। अच्छा, वो लोग वहाँ पर अभी क्या? वहाँ अभी तक वो तांडव कर रहे हैं, वहाँ मारपीट कर रहे हैं, एक आदमी और छुटाना है। अच्छा, वो भी थाने आ रहा है। तो आप इनको रेफर किया गया? हाँ, रेफर किया इनको, हम उन्नाव ले जा रहे हैं, शरीर में गोली लगी। अच्छा, दरवाजे पे